शनिवार दोपहर उज्जैन नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय, उज्जैन कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने चामुंडा माता चौराहा स्थित पीएचई कंट्रोल रूम पर पिछले कई दिनों से शहर में जल प्रदाय व्यवस्था बिगड़ने से शहर की कई कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचने पर विरोध दर्ज कराया। हाथों में खाली मटके और झांझ मंजीरे लेकर कांग्रेसी चामुंडा माता चौराहे पर बैठ गए और वर्तमान भाजपा बोर्ड से शहर को पानी देने की मांग की। कुल मिलाकर 38 से 40 कांग्रेसी शहर के लगभग 7 लाख जनता के लिए पानी मांगने पहुंचे। कांग्रेसियों ने पीएचई अधिकारियों को 2 दिन का समय दिया है। यदि 2 दिनों में शहर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी पार्षदों को सम्मिलित होना था। कांग्रेस की महिला पार्षदों की जगह उनके पति विरोध प्रदर्शन में नारे लगाते नजर आए। कहीं भी टंकियों में प्रेशर कम है, पानी आ नहीं रहा है, जबकि इस बार पूरा पानी का जो होना चाहिए टारगेट वो पूरा है। उसके बाद भी ये पीएचई वाले वार्डों में पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं पानी गंदा आ रहा है, स्मेल आ रही है, पानी को क्यूरिफाई नहीं किया जा रहा है और इनका कहना है कि प्लांट ठप पड़ा। अभी हम प्लांट भी चेक करने जाएंगे कि कौन सा प्लांट ठप पड़ा है। मतलब झूठ बोलना, झट से बोलना। पीएचई के अधिकारियों कर्मचारियों से आज हमने विनम्रतापूर्वक ज्ञापन दिया है कि तुरंत पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। 4 दिन से जो लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है उनको पानी कल से जल प्रदाय किया जाए, और अगर इन्होंने नहीं करा कल परसों 2 दिन देखेंगे, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी पीएचई की, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे महापौर बैठे हैं उनकी, जो मंत्री जी हैं उनकी, आज शहर के अंदर मंत्री जी हैं, महापौर जी हैं, इनको ये दिख नहीं रहा है कि 4 दिन से लोगों घरों में पानी नहीं आ रहा है। भाई आज पितृ चल रहे हैं और पितृ अमावस्या है, त्यौहार हैं, पितरों को पानी, जब अपन कुछ त्यौहार मनाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि 4 दिन से किसी भी घर में वार्ड में पानी है। सारे कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी हमारे साथ में हैं और सभी ने ये बोला है कि तुरंत इसको समस्या का निदान किया जाए और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा।